एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लॉन्ग टाइम नो सी, मैंने काफ़ी दिनों हो गए थे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी। तो मैंने सोचा काफ़ी लोग रशिया आना चाहते हैं, तो मैंने उनकी हेल्प करने के लिए, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आए थे कि हॉस्टल कैसा है, कैसा माहौल है, क्या है क्या नहीं, तो उसके ऊपर मैंने क्लिपिंग्स, हालांकि मैंने समर टाइम में बना रखी थी वो क्लिपिंग्स, और जो कि मैं अभी अपलोड करने जा रही हूँ। तो आप लोग क्लिपिंग देखिए, उसके बाद मैं मिलती हूँ। लोगों ने अपने मेरे को अपने हॉस्टल के बारे में पूछा था, तो हेयर भी सो दिस इज माय रूम। सो ये मेरा रूम है, ये डबल बेड का रूम है। सो वहाँ बेड है, ये दो अलमीराज हैं। मेरी अभी रूममेट है इंडिया में, सो आई एम लिविंग अलोन। तो ये मिरर है, यहाँ से स्टार्टिंग है, ये उसकी कबर्ड, ये मेरी कबर्ड। ये जस्ट लाइक ठंडियों में, यहाँ सर्दी बहुत होती है तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। ये दो तंबुचकाज हैं, मतलब सामान रखने के लिए। तो हम लोग खिड़की में, लाइक ठंड ना आए तो वहाँ पे वो पिलोज़ रखे हुए हैं, जस्ट वहाँ पे पैक कर देते हैं। आई डोंट नो, पहले से था, मैंने इस रूम में अभी अभी शिफ्ट करा है। सो 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 हेयर यू गो। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, लाइक नीचे जूते वगैरह एंड ऊपर बर्तन वगैरह। सो मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आई थिंक इसको हमने ना पहले रूम में एक कवर करा हुआ था वाइट पर्दे से, काइंड ऑफ जो पर्दा लगा हुआ है उस टाइप से एक पर्दे से कवर करा हुआ था। सो ये हमारी सो कॉल्ड डाइनिंग टेबल है, इस पर खाना वाना बनाना या चीज़ें रखना वो दो थे। एक मेरी फ्रेंड का है जो अभी आएगी, अभी मैंने अपना ही सामान रखा हुआ है वहाँ पे। तो ये हमारा क्यूट सा फ्रिज है। सो ये मेडिसिन के या फिर मेडिकल स्टूडेंट का एनर्जी बूस्टर नेस्कैफे। ये मेरी टेबल है जहाँ पे मैं बैठ के थोड़ी पढ़ाई करती हूँ। ये बुक सेक्शन है, यहाँ पे भी पूरे में बुक्स भरी पड़ी है, वो मेरा बैग रखा है। सो कुछ ये स्टेशनरी का सामान है इसमें, देन आई हैव नोटबुक्स और उसके बाद थोड़ी बुक्स होंगी। तो ये बेसिकली है, ये मेरे क्यूट से काना जी और ये मेरी फ्रेंड की टेबल है। अभी एज़ पर आई नीड, मैंने अपना चीज़ें अरेंज करके रखी, अगर वो आएगी तो मैं शायद चेंज कर दूँगी चीज़ें। सो ये उसकी टेबल है, उसका कुछ सामान मैं ले आई थी दूसरे रूम से शिफ्ट करते टाइम, सो बाकी वो अपना आके चेंज कर लेगी एज़ पर। सो अभी मैं यहाँ पे सो रही हूँ, मे बी उसके आने के बाद मैं ऊपर चली जाऊँ, तो वो मेरा मूड के ऊपर है, डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने ही प्रोवाइड करी हुई हैं हॉस्टल वालों ने, और ये पढ़ते लगे हुए अभी। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, वहाँ से दिखाती हूँ। और बारिश वगैरह आती है ना, ज़्यादा धूप। पहला मेरे पहले जो रूम था उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग की प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में तो अंधेरा रहता है काफ़ी, और गर्मियों में यहाँ पे रात ही नहीं होती, यही कह लो वाइट नाइट्स है, क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड पे है रशिया की, तो यहाँ पे वाइट नाइट्स हैं। सो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ये रूम शिफ्ट करा है। आई एम हैप्पी विथ माई रूम, क्वाइट हैप्पी। सो ये काफ़ी अच्छा व्यू है, बैठ के इंजॉय करो, अपना चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाओ स्लेप पे, या फिर स्टडी करने में भी बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। सो ऊपर मैंने लेने की सोचा नहीं, बट यही अच्छा लगा मुझे, अच्छा है सब कुछ। सो बेसिकली सामान रखा हुआ है कबर्ड्स में, कुछ इधर सामान है, कुछ इधर जैकेट्स हैं, एंड ऊपर भी पूरा सामान भरा हुआ है। इसमें भी लाइक थोड़ा मेकअप वगैरह का कह लो, क्योंकि मैं बहुत लाइक आई लव परफ्यूम, सो मे बी मेरे इसमें तंबुचका में बहुत सारे परफ्यूम होंगे। हाँ, कवर्स, मैंने घड़ियाँ रखी है तो जल्दी जल्दी मैं पहन के चल दो। हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप का होगा, बट आई लव द परफ्यूम एज आई टोल्ड। सो बट मेकअप तो क्या ही होता है, और थोड़ा बहुत लिप बाम लगा लिया, इतना टाइम भी नहीं होता कुछ करने का।
सो दिस इज़ माई रूम, छोटा है बट जो 3 बेडरूम वाला होता है वो थोड़ा बड़ा होता है इससे, बट ये छोटा है जो भी कहो मेरे को बहुत पसंद है, आई जस्ट लव माई रूम। एंड सारे रूम डिफर करते हैं, मेरा रूम थोड़ा अलग है थोड़ा और रूम से, तो देखते हैं। आई होप यू लाइक माई रूम, थोड़ा मैसी टाइप में होगा बट इट्स गुड। हालांकि हॉस्टल मैं और भी शो करती रहूँगी, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं हॉस्टल के और भी व्यूज़ वगैरह दिखाऊँगी आपको। और अभी विंटर है तो विंटर का भी मैं एक और बार अपना रूम का टूर दे दूँगी, और मेरी रूममेट भी आ चुकी है तो थोड़ा भरा भरा रूम है। अब की बार तुम स्नो देखोगे बाहर, और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें और देखोगे। तो बेसिक रूम यही होता है रशिया में हर एक जगह, मोस्टली जगह, और किसी में सिंगल बेड होता है बेसिकली। ऐसा ही कुछ होता है कि टेबल देंगे आपको, तंबुचका देंगे, और फ्रिज जो कि हम एक्सटर्नल लेके आए थे अपने लिए, और तुम्हें बुक्स रखने के लिए शेल्फ प्रोवाइड करे जाएंगे, और ये सब चीज़ें दी जाएंगी, और ये सब हर एक हॉस्टल में हर एक यूनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड होता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ आपने देख तो लिया ही है क्या क्या है, और भी चीज़ अगर आपको जाननी है तो कमेंट करिए, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ और मिलूँगी। सो थैंक यू सो मच इस बार के लिए, बाय बाय।